जैन प्यारे साथियों, आज मैं आपके वीडियो का ये पांचवा पाठ इतिहास का लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। आज हम चर्चा करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, जो ऐतिहासिक ग्रंथों से इतिहास के बारे में जानकारी के सोर्स मिलते हैं, और उसके बाद फिर कुछ विदेशियों के विवरण से जानकारी के सोर्स मिलते हैं, और कुछ हमने वेदोपयोदे से जो इतिहास के बारे में जानकारी के सोर्स मिलते हैं वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यदि आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप किसी क्लास को अगर शुरू से लेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय को ना इन्वेस्ट करते हुए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी के प्रमुख सोर्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में, सबसे पहले यहाँ पर समझना ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि ईसा पूर्व के बारे में। जब हमारा पहले देखेंगे समय हमारा उल्टा चल रहा होता है, जब धीरे धीरे आता है जीरो, जीरो के बाद जब एक ईस्वी स्टार्ट होती है, एक ईस्वी से चलता है ईस्वी होता है, और जो इससे पहले की बात करते हैं वो ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्रिस्ट आता है। बिफोर क्रिस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी समय की गणना की जाती है वो ईसा पूर्व होती है, और बिफोर और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी गणना समय की होती है वो आपको ईसवी कहलाती है, अर्थात एसी। एसी का मतलब होता है एनो एनो एक्वेड होता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो सब प्राचीन अभिलेख 1400 पूर्व का अभिलेख है, जिसे बोगाज कोई कहते हैं। वो बोगाज कोई जो एशिया माइनर से अर्थात वैदिक देवता के कारण, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे जो वैदिक काल के देवता थे, वैदिक काल के देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से मिलते हैं। अर्थात जो भी हमारे पुराने अभिलेख मिलते हैं वो कहीं ना कहीं देवता के नाम से मिलते हैं। जैसे 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख, एक अभिलेख बोगाज कोई नामक अभिलेख था, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। वहाँ से वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। कहाँ से इनके नाम मिलते हैं? बोगाज कोई के अभिलेख से मिलते हैं। बोगाज कोई का अभिलेख कितना पुराना है? बोगाज कोई का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का पुराना है। अगर आज से हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आज से 2021 चल रहा है। अगर हम इसी में 1400 ईस्वी और जोड़ देते हैं, 1400 ईस्वी अगर आप पता चल जाएगा ये 3431 वर्ष पुराना है। 3431 वर्ष पुराना यह बोगाज कोई का अभिलेख है, जिसमें देवता मित्र, वरुण और इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। अब आगे देखते हैं एक अगला कुछ ऐतिहासिक वो मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण, देखिए मध्य भारत में जो भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण ये यवन राजदूतों से प्राप्त होता है। अब यवन राजदूतों के जो होलियोडोरस के अर्थात वेशनगर का मतलब विदिशा राजधानी होती है, वहाँ से गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहाँ से? होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। फिर उसके आगे देखते हैं इतिहास के जानकारी के सोर्स के बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें लिख लेंगे, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा नामक अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर से कह रहा हूँ, ये आपको इसको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा नामक अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर आगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुरों का आक्रमण, हुड़ों ने भारत पर जब आक्रमण किए थे उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो भीतर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे? भीतर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, भारत में जब हुड़ों ने आक्रमण किया था। फिर आगे देखते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। देखिए आपके पास तो साक्ष्य बहुत होते हैं लेकिन सभी के सभी ओरल होते हैं, लेकिन सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख ये भानुगुप्त के शासनकाल का है, अर्थात एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है, अर्थात एरण अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? भानुगुप्त करवाए थे।
आगे देखते हैं, सातवाहन राजाओं को पूरा इतिहास, अर्थात जो भी सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास था, इन पूरे इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो भी सातवाहन वंश के राजा थे उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखा था, उसके आधार पर हमें सातवाहन राजाओं के बारे में जानकारी का पता चलता है कि सातवाहनों का शासनकाल किस प्रकार से चल रहा था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी है। देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अब देखेंगे जो रेशम से कपड़े बनाने का कला कहाँ से प्राप्त होती है, या रेशम के जो कपड़े बनाए जाते थे इसकी कला सीखने की जानकारी सर्वप्रथम चीन से होती है। सर्वप्रथम कहाँ से होती है? चीन से होती है। फिर आगे देखते हैं, कश्मीर जो आज जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पहले भी रहा था, कश्मीर नवपाषाणिक पुरस्थल, देखना जो कश्मीर है, कश्मीर के नवपाषाणिक पुरस्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्जहोम से गर्तवास। गर्तवास का मतलब होता है, ठीक है, गर्त का मतलब गड्ढा होता है, वास का मतलब रहने का स्थान, अर्थात उस गड्ढा का स्थान को कहते हैं गर्तवास, अर्थात गर्तवाहन अर्थात बुर्जहोम से प्राप्त होता है, सॉरी बुर्जहोम का साक्ष्य मिलता है। ये भी इतिहास के साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे हम पूरा पाषाण का, नवपाषाण काल या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हमें प्राचीन काल के बारे में इतिहासों की जो जानकारी मिलती है, हमारा पहले भारत कैसे था, यहाँ के लोग या आदिमानव किस प्रकार से निवास करते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, कश्मीर नवपाषाणिक पुरस्थल जो है वो बुर्जहोम से प्राप्त होता है, अर्थात बुर्जहोम में क्या था, एक गर्तवास था। गर्तवास का मतलब एक गड्ढा था जिसमें लोग रहते थे, वहाँ से हमें जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो गर्तवास से यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थीं, इस गड्ढे में जो घर था उस घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थी, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। आगे देखते हैं, देखिए प्राचीन सिक्कों को आहात सिक्के कहते थे। जो प्राचीन काल के सिक्के थे, प्राचीन काल के सिक्के को आहात कहते थे। जैसे आजकल के जो सिक्के उसे सिक्के कहते हैं और उसे रुपया सिक्का कहते हैं ना। फिर इसी को साहित्य में कासारपण, ये प्राचीन काल में क्या कहा गया, आहात सिक्के, और साहित्य काल में कासारपण कहा गया। आगे देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। जो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, इससे पहले जो सिक्के होते थे वो एक आकार में होते थे, छोटे बड़े आकार पर उनको कीमतों की तुलना की जाती थी। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। अब आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त, जब समुद्रगुप्त ने एक मुद्रा प्रचलन किया, उस मुद्रे पर एक चित्र अंकित किया जिसमें एक वीणा बजाती हुई महिला आती है, अर्थात उसमें वीणा पाड़े जिसमें माँ सरस्वती का भी चित्र अंकित था, अर्थात वीणा था। तो इससे देखिए, वीणा बजाते हुए एक चित्र था जिससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है जो समुद्रगुप्त था वो समुद्रगुप्त एक संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। उसके सिक्के के साक्ष्य से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था, इसीलिए वो अपने शासनकाल में जो सिक्के चलाए उस सिक्के पर वीणा का चित्र अंकन मिला था। फिर आगे देखते हैं, अरिकमेडू जो कि ये पुदुचेरी में है, पुदुचेरी के निकट पड़ता है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अर्थात रोमन सिक्के या रोमन शैली के सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो आप बताएंगे अरिकमेडू अर्थात पुदुचेरी के निकट से। फिर आगे देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, उत्तर भारत की मंदिरों की कला। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो रहे हैं, इस बात को ज़रा ध्यान देना कि यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहे हैं कि उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली को
नागर शैली कहा गया। जितने भी उत्तर भारत में मंदिर थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितने भी इधर सभी मंदिरें हैं, ये सब मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ था, नागर शैली में हुआ है। और वहीं पर जो दक्षिण भारत के मंदिर थे, दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली थी, उन कला शैली को द्रविड़ शैली कहा गया है। जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर बने हैं उन मंदिरों को द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं उन मंदिरों को कला शैली कहा गया है, अर्थात वो कला शैली में ही बने हैं। फिर आगे देखते हैं जो दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली और द्रविड़ दोनों शैलियों का, देखिए जो दक्षिणापथ थे, दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर एवं द्रविड़ दोनों प्रकार के शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाई। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर नागर शैली और द्रविड़ शैली, ध्यान से समझना, जिस मंदिरों में नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों का विकास, मतलब कि दोनों डिजाइनें एक ही मंदिर में उल्लिखित हैं, उसे कहा गया वेसर शैली कहा गया। फिर क्या, एक बार समझना कि नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली बराबर वेसर शैली कहलाएगी, ठीक है ना। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली बराबर क्या कहलाई, वेसर शैली कहलाई। फिर यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि पंचायतन शैली क्या है। आपसे पूछा जाता है कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है किस शैली में लिखा गया है, या जो बृहदेश्वर का मंदिर है यह किस शैली में लिखा गया है। तो हम देखें यहाँ पर पंचायतन शैली के बारे में बात करेंगे। जो मंदिरों की डिजाइन है ना, उनके डिजाइन पर उनके आकार की तुलना की गई कि ये किस शैली में लिखे गए हैं। जैसे देखिए पंचायतन शैली, तो देखिएगा शब्द मंदिर रचना, देखिएगा जो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पहला नंबर, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर, देखिएगा एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का तब कहलाता है जब मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। कहने का मतलब एक हिंदू का जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में कब कहलाता है, जब एक मंदिर हो और चार छोटे छोटे मंदिरों से घिरकर एक बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है, उस शैली को पंचायतन शैली कहते हैं। समझ आ रहा है। जैसे अगर आज देखते हैं तो जैसे मंदिर बने रहते हैं तो मंदिर में चार पावे रहते हैं, उसमें अगर देखते हैं थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से गुंबद और बीच में एक बड़ा सा गुंबद लगा रहता है, अर्थात जो चार छोटे छोटे मंदिर एक सहायक होते हैं फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी मंदिर बनी होती है, तो वही हिंदू मंदिर की पहचान भी होती है। अब देखते हैं जो पंचायतन मंदिर है, पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो एमपी में पड़ता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये क्वेश्चन पेट वाले के पेपर में भी आया था, ये क्वेश्चन आया था कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, अर्थात खजुराहो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस शैली में है, तो पंचायतन शैली में स्थित है। अगला ब्रह्मदेश्वर मंदिर, यह ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी पंचायतन शैली में स्थित है, यह भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर अगला लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भी पंचायतन शैली में है, यह भी एमपी में है, अर्थात खजुराहो एमपी में है। ये दोनों मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों खजुराहो एमपी में पड़ते हैं। फिर अगला देखते हैं जो दशावतार मंदिर, अर्थात विष्णु के दस अवतारों का मंदिर, दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ यूपी में, देवगढ़ का जिला एक स्थान है और वो यूपी में है। ये यूपी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दशावतार का मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवगढ़ यूपी में स्थित है। और एक आता है लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। फिर से देखना, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, और लिंगराज मंदिर किस शैली में है, तो लिंगराज मंदिर पंचायतन शैली में है। आगे एक और है मंदिर, उदाहरण एक और देख लेते हैं, जो गोंडेश्वर मंदिर, ये गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है, अर्थात गोंडेश्वर मंदिर आपका ये महाराष्ट्र में है, और गोंडेश्वर मंदिर किस शैली में है, तो गोंडेश्वर मंदिर भी पंचायतन शैली में है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को ये पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी थी, अब हमने यहाँ तक आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा प्रागैतिहासिक काल को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ
ये बता देता हूँ कि सब देखिएगा, यहाँ से आपका इतिहास का रियल स्टार्ट होता है। इससे पहले अभी तक में हमने क्या किया था, जो भारत के इतिहास से, भारत के इतिहास के बारे में पहले हमें जानकारी के सोर्स से पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास की जानकारी का सोर्स कैसे मिलता है, फिर इतिहास किस तरीके से बना और इतिहास का जो समय था वो कालखंड था कितने भागों में विभाजित था, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं एक रियल इतिहास की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी के सोर्स मिलते हैं। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल को समझना, जिस काल में मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, अर्थात जिस काल में मानव ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण मतलब कि साक्ष्य नहीं किया है या प्रदर्शित नहीं किया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है प्राक प्लस ऐतिहासिक, मतलब प्राक का मतलब होता है जो भी जानकारी सांकेतिक रूप से थी, ऐतिहासिक का मतलब घटित हुई, बीते समय में घटित हुई, ठीक है ना, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिएगा फिर अगला आता है, यहाँ से मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका कोई लिखित रूप से उपलब्ध है, जिसका कोई लिखित रूप से विवरण उपलब्ध है उसे मानव विकास का काल कहा जाता है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी की बात करते हैं कि जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 मिनट का समय लूँगा, जिसको आप लोग समझते होंगे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी अर्थात जब महाविस्फोट सिद्धांत होता है, महाविस्फोट सिद्धांत पर पृथ्वी भी एक आग का जलता हुआ गोला था, उस समय आग के जलते हुए गोले में, उस समय पृथ्वी भी एक आग का धधकता हुआ गोला था, यह एक ग्रह था, उस समय पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं थे, यह एक आग का धधकता हुआ एक गैसीय गोला था, तब यहाँ पर किसी जीव जंतु का प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है, तब यहाँ पर जब ये धधकता हुआ आग का गोला था उस समय पृथ्वी पर लगभग करोड़ों वर्ष काफ़ी समय तक बारिश हुई, बारिश होने के पश्चात ये धीरे धीरे एक लेयर, जब यहाँ की आग बुझी और धीरे धीरे एक लेयर परत जमती हुई चली गई, जब लेयर एक परत जमती हुई चली गई तो यहाँ पर पानी हुआ और पानी के साथ साथ पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर नामक जीवन की उत्पत्ति होती है, फिर डायनासोर नामक जीवक की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्ट्रॉइड आकर पृथ्वी पर गिरता है, मेरियाना गर्त, यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त है। जब वहाँ पर हुआ तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से डायनासोर की मृत्यु होती है, डायनासोर की मृत्यु के पश्चात आदमी की उत्पत्ति होती है, आदिमानव की उत्पत्ति होती है। जब आदिमानव की उत्पत्ति होती है वो उसके पास वाक एवं अभिव्यक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, उस समय में आदमी मतलब नग्न अवस्था में चलता था, केवल इशारे से रहता था, अपना केवल भरण पोषण करता था, उस सिचुएशन को या उस स्थिति को हमारा यहाँ से कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। जब देखिएगा अर्थात उस समय को हम इतिहास कहते हैं जहाँ से मानव का कोई ऐतिहासिक प्रमाण साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण कोई लिखित रूप से उपलब्ध है, अब चाहे वह विवरण पढ़ा गया हो या न पढ़ा गया हो लेकिन वहाँ से ये पता चलता है कि मानव कुछ विकास की ओर बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, जो आदिमानव थे वे अपने सांकेतिक भाषा में या लिपि में लिख तो कुछ जरूर देते थे लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते थे। जैसे अगर आप जानते होंगे जो शॉर्ट हैंड सिस्टम चल रहा है या लिपियां हैं जैसे देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इस प्रकार से वो अलग अलग लिपियाँ हैं, तो उस लिपियों के बारे में हमें केवल यह साक्ष्य मिलता है यह किसी न किसी लिपि में लिखी गई है लेकिन आज तक वह पढ़ा नहीं गया है, तो उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं ज्ञानी मानव अर्थात जिसको साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व होता है। फिर उसके बाद देखते हैं पूर्व पाषाण काल युग,
या पूरा पाषाण काल के मानव। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अर्थात वह काल या वह समय जिस समय में आदिमानव अपने अपने प्रयोग के लिए औजारों का उपयोग करते थे और वह औजार पाषाण अर्थात पत्थर के बने होते थे, उस काल को स्टोन एज या पूरा पाषाण काल कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, तो पूरा पाषाण काल के मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था, अर्थात वो पत्थरों के औजार बना करके वो जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करके वे कच्चे मांस खाने का प्रयोग करते थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी का कोई प्रमाण नहीं था। मतलब इस समय इंसान को केवल भरण पोषण का, इसमें मतलब कि मानव को केवल भरण पोषण का केवल जानकारी था कि पेट के अंदर घुस जाए तो वो अपने पेट को, मतलब अपने पेट की आग को बुझा सकेंगे। तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, जो कुछ जो आदिमानव थे, हाँ सबसे पहले नंबर ये भी देख लीजिए, जब आदिमानव इस प्रकार से शिकार करते थे, शिकार करना भी उनका मनोरंजन था और वह शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे और अपनी जीविका भी चलाया करते थे, अपनी जीविका भी चलाया करते थे। फिर उसके बाद वो आदमियों का निवास अस्थाई नहीं था, वो ऐसे दर दर जंगलों में भटकते रहते थे। जहाँ पर वो रुकते थे जंगल वगैरह पड़ते थे और जानवरों से भी उन पर अटैक का आक्रमण था। फिर एक बार एक झाड़ी के करीब में, अगर कहता है कि गर्मी के मौसम में झाड़ी के करीब में वो पत्थरों से अपने पत्थर को, याद रखना स्वपठिक भी कहते हैं, पत्थर का यह पर्यायवाची भी है स्वपठिक, अर्थात वो स्वपठिक से एक नुकेले औजार बना रहे थे। तो उस समय दो पत्थर टकराने से चिंगारी निकलती है और वो झाड़ी में पकड़ लेती है। पकड़ने के पश्चात एक आग, जब आग पकड़ लेती है तो वो आग पूरे जंगल में बहने लगती है। जब उनके लाल लाल लौह दिखाई देने लगते हैं फ्लेम, तो उस फ्लेम को वो खाने के लिए दौड़ते हैं। जब खाने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है, तो मुझे मेरे शरीर को चोटिल अर्थात दर्द पहुंचा रहा है। तो इस सिचुएशन पे उन्होंने यह देखा कि जब वह रात हुई तो रात होने पर उन्हें पता चला कि जो जंगली जानवर उन पर अटैक करते थे उनसे मतलब कुछ प्रकाश में उन्हें दिखाई देने लगा। तो धीरे धीरे आग का आविष्कार अर्थात हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। तो उसके बाद अब यहाँ से याद रखना है कि आग का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कब हुआ आग का आविष्कार? पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन मनुष्यों का भी स्थायी निवास नहीं रहा है, मनुष्यों का अभी तक स्थायी निवास नहीं रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और जो स्थायी निवास है, स्थायी निवास भी मनुष्यों का पूरा पाषाण काल में हुआ। और याद रखना, जब वे जंगली जानवरों का आक्रमण करके वो मांस को खाते और हड्डियों को फेंक देते, तो जो हड्डी, जो कुत्ते होते थे उनके हड्डियों को खाते थे। इस प्रकार से उनको, मतलब जंगली जानवरों को, आदिमानों को, जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए कुत्ते भी सहयोग करते थे, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता बनाया। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा जो आदिमानव थे या मानव, सर्वप्रथम पालतू जानवर किस जीव को बनाया, तो सर्वप्रथम पालतू जानवर किसको बनाया, कुत्ते का बनाया। फिर पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, जो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जब मनुष्यों को जैसे सामान को ढोने या ले जाने लगे तो ले जाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए पत्थरों को गोल करके उनको एक चक्र मॉडल गोल करके बनाया, जिससे वो सामान ले जाने लगे। तो धीरे धीरे अर्थात पहिए का आविष्कार भी हुआ। पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में होता है, इसको लिख लीजिएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। और उसके बाद जो नवपाषाण काल में होता है, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा साक्ष्य मिलता है, जो साक्ष्य एक अतिरपक्कम से मिलता है। अगर कहा जाता है सर्वप्रथम मनुष्यों का एक धातु से बनी कौन सी औजार थी, तो एक ताबा नामक धातु से बनी कुल्हाड़ी थी, जिसका साक्ष्य अतिरपक्कम नामक स्थान से मिलता है। मनुष्यों ने या आदिमानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया,
तो आदिमानव ने सर्वप्रथम ताबा धातु का प्रयोग किया और ताबा धातु से बनी कुल्हाड़ी नामक औजार का प्रयोग किया जिसका साक्ष्य अतिरपक्कम से प्राप्त होता है। फिर यहाँ भी हो गया मनोरंजन शिकार था। फिर कृषि का आविष्कार, याद रखना कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। अब देखो कृषि के आविष्कार शुरू कैसे हुआ, एक बार देखते हैं। जो कृषि का आविष्कार हुआ वो होता है नवपाषाण काल में, अर्थात अन्न उत्पादन। पहले नंबर चावल की खोज की गई थी, एक चावल की खोज की गई थी जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान, जो आज कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान स्थान है, ये कंट्री है। तो कृषि का साक्ष्य, कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से अन्न स्थल अर्थात अन्न में चावल के दाने प्राप्त हुए थे। और देखो यहाँ पर ये कोलडिहवा है, कोलडिहवा का संबंध किससे है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कोलडिहवा का संबंध आपके चावल से है। अब यहाँ पर देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे, इनके बारे में हम एक कहानी का अलग से वीडियो लाएंगे, दो भाई थे। पहले रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इन्होंने ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी, तो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। आज हम चर्चा कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल तक, आज हम कहाँ तक चर्चा कर चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल तक चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छे लगे तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास किस प्रकार से लग रही है। यदि आपको कहीं पर किसी भी सब्जेक्ट का अभाव हो तो उसको कमेंट बताइएगा, हम अपने टीम के द्वारा आपको उस सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।